बिधुना कोतवाली क्षेत्र के बदनपुर चौकी क्षेत्र में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5 चोरी की बाइकें बरामद कर उनको जेल भेज चुकी है। गिरफ्तार किए गए चोरों के विरुद्ध विभिन्न थानों में कई मुकदमे पंजीकृत बताए गए। पुलिस क्षेत्राधिकारी मुकेश प्रताप सिंह ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद शुक्ल की मौजूदगी में कोतवाली में बाइक चोर गैंग का खुलासा करते हुए कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश में निरीक्षक अपराध निर्भय चंद एवं चौकी प्रभारी बदनपुर अमित सिंह राठौर द्वारा हमराही पुलिस के साथ शनिवार को संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों के विरुद्ध चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर चौकी बदनपुर क्षेत्र के ग्राम गपचरियापुर नहर पुलिस के पास पीपल के पेड़ के नीचे चोरी की बाइकें बेचने की फिराक में 4 लोग खड़े दिखाई दिए। पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से पप्पू उर्फ हरदीप पुत्र धनीराम, प्रेमचंद पुत्र रामनाथ निवासी गन कुरसेना इटावा व नंदा पुत्र मुश्ताक निवासी खिरिया फिरोजाबाद को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 5 बाइकें बरामद कर उन्हें जेल। देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सख्त अभियान चल रहा है। कोई भी चाहे मोटरसाइकिल चोर हो या मोबाइल चोर हो या अन्य गतिविधियों से लगते रहते हैं, उनकी धरपकड़ का अभियान तेजी से चल रहा है। तो इसी के क्रम में कल गपचरियापुर में 11:45 के आसपास वहाँ पर एक मोटरसाइकिल जेंट जो सक्रिय है उसमें धरपकड़ सूचना पर की गई, जिसमें से 3 लोगों को पकड़ लिया गया, जिसमें एक व्यक्ति भागने में सफल रहा, प्रेमचंद, पप्पू, नंदा और मोबीन। जिसमें नंदा मोबीन पर कई मुकदमे भी आसपास के थानों पर लिखे गए हैं और उनका इतिहास भी है। ये लोग सक्रिय मोटरसाइकिल गैंग के सदस्य हैं और मोटरसाइकिल की चोरी करके बेचना और उससे मुनाफा कमाना ये इनका धंधा है। तो ये बड़ी उपलब्धि है हमारे इंस्पेक्टर साहब क्राइम और कोतवाली प्रभारी और अमित राठौड़ बदनपुर चौकी इंचार्ज आकाश कुमार सिंह और उनकी टीम ने पूरे घटना को अंजाम दिया है और बधाई की बात हो। इसी के साथ एक संदेश भी जा रहा है कि किसी भी तरह की अवैध गतिविधियाँ थाना क्षेत्र में नहीं चलाई जाएगी।